विपक्ष के आरोपों पर सफाई देने के लिए वन मंत्री राकेश पठानिया ने सदन से बाहर आकर कहा कि कांग्रेस पर ही पुलिस जवानों की स्थिति के लिए वे जिम्मेदार हैं। पठानिया ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 2015 में पुलिस कर्मियों की भर्ती के समय इस व्यवस्था को शुरू किया गया था और अब कांग्रेस अपनी गलतियों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है और सदन से वॉकआउट कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में पुलिस जवानों के लिए भर्ती के बाद 8 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वित्तीय लाभ देने की बात की गई थी। ये काला कानून कांग्रेस की ही देन है। अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से इन पुलिस कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है। ऐसे में क्लोज की व्यवस्था की गई है जिसमें एकदम से इन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस जवानों को राहत देने के लिए कमेटी का गठन किया है जो इस पर विचार कर रही है और किस तरह से पुलिस जवानों को राहत दी जा सके इस पर विचार किया जा रहा है। घटना हुई है और उसमें एफआईआर लॉज हुई है तो जब ये कुछ सेटल होगा तो उसके बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कानून कौन लेकर आया था, इम्प्लीमेंट किसने किया था और ओपीएस को कौन लाया था और उसको 10 साल किसने पाला था। मैंने यही आज बेटर हो गए, क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में घूम रही है तो आज हमारे वित्तीय हालात ठीक हो गए। जब हम कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम 600 करोड़ के मुफ्त टीके लगा के हट रहे हैं तो आज वित्तीय हालात ठीक हो गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँ। ठीक ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ 2003 में किस मुख्यमंत्री ने? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजवीर बदल। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया, आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया, आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया, आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो, आज केवल आप हिमाचली जनता को। तो कह रही है एक मिनट सर, बात सुनिए पूरी। क्या आप केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के बोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं लाया हूँ 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किसने वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। फिर उसको बोल रहा वो इस इश्यू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उस बात को आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं बाहर कुछ हो, नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या फर्दर? हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में आया। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि कानून किसने बनाया और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, नंबर वन। एक और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इम्प्लीमेंट किया, नंबर दो। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था, उसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो विच इज जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर कोई मिस